एयर बबल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द रेट ऑफ एट व्हाट रेट ऑफ द इट्स वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। तो देखिए एयर बबल है तो एयर बबल भी स्पेयर शेप में ना होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ स्फेरिकल एयर बबल बी एक्स, आर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि रेडियस इस तरह से इंक्रीज कर, रेडियस जो है टाइम के रेस्पेक्ट में वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। तो वॉल्यूम जो होगा किस रेट से इंक्रीज करेगा, जबकि यहाँ पर रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम ऑफ क्या है जी आपका, स्फेयर क्या हो जाएगा, तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, टाइम टी के रेस्पेक्ट में, तो dv/dt जो हो जाएगा आपका आ जाएगा 4/3 पाई इंटू में 3r² इंटू में dr/dt। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 4π, r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू में 1, और dr/dt का वैल्यू कितना है, 0.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है। यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सब में, आ जाएगा 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।